अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे फंक्शन से। फंक्शन जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी काम करने के लिए, खास काम करने के लिए हम जो है वो फंक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो हमारा फंक्शंस है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हमने लिखना है def एज इन डेफिनेशन, फिर फंक्शन नेम आ गया और फिर हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। सिर्फ नेम आएंगे, कोई टाइप टूप नहीं आएगी। फिर कॉलन और फिर टैब स्पेस आ गया और उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल है। तो पहले हम फंक्शंस बनाते हैं एक आध, उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले से बने फंक्शन हैं हमने उनको किस तरह से यूज़ करना है। तो हम कोड में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट टेबल का, और इसमें मैंने ले लिया नंबर, फिर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू और फिर एंडिंग वैल्यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब फॉर लूप आ गया। फॉर लूप में हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लायर इन रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू आ गई, कॉमा एंडिंग वैल्यू प्लस 1 कॉलन, और उसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंट नंबर कॉमा मल्टीप्लाई का साइन आ गया, उसके बाद मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन आ गया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फंक्शन बन गया, इसको चलाते हैं। तो ये देखें जी, अरे कनेक्टिंग हो रहा है, 2 मिनट दे दें। कनेक्ट हो गया, अभी आउटपुट आ जाएगी। तो फंक्शन हमने चलाया, इसमें कोई भी एरर नहीं था, लेकिन जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं चलता। यहाँ पे लिखा प्रिंट टेबल, बल्कि हम इसको नेक्स्ट सेल में भी लिख सकते हैं। तो हम एक और सेल बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टेबल, सॉरी, और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी 3 का टेबल लिख है, फिर 5 से हमने शुरू करना है, मैंने 15 तक प्रिंट करवाना है। तो 3 का टेबल 5 से स्टार्ट हुआ और 15 तक चला गया, ठीक है, 3 वैल्यूज थी। ये इतना आसान काम है, और फंक्शन जो आपने एक दफ़ा बना लिया आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मैक्सिमम फंक्शंस बनाएं, और जब भी आप अपना कोड करें तो कोशिश करें कि हर एक काम के लिए आप फंक्शन बना लें, ताकि आपको वो जो इंस्ट्रक्शन है वो बार बार लिखनी ना पड़े, आप सिंपली क्या करें अपना एक फंक्शन कॉल कर लें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, मैं अपने फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देने लगा हूँ। ये जो इसमें पैरामीटर्स हैं इसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 2 आ गई और इसकी वैल्यू 12 आ गई, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू जो है वो 10 दे दी मैंने, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं अपना जो सेम फंक्शन है इसको डिफरेंट तरह से चला सकता हूँ। मैं अगर प्रिंट टेबल लिखूँगा और इसको चलाऊँगा ये तब भी चलेगा, जब मैं लिखूँगा प्रिंट टेबल और यहाँ पे मैंने 2 दिया ये तब भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो नंबर की वैल्यू कंसिडर कर रहा, ठीक है। फिर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टेबल 2,5, अब 2 जो था वो नंबर की वैल्यू थी, 5 जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं,
मेरी जो है ये स्टार्टिंग वैल्यू हो, और ये जो है ये नंबर की वैल्यू, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने चलाया नहीं था चेंज करने के बाद, शूट करना पड़ा था। डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, एक दफ़ा हम इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, अब हम इसको चलाते हैं। अच्छा जी, ये 2 का टेबल प्रिंट हुआ, ये भी 2 का टेबल 10 तक प्रिंट हुआ, और ये देखें जी, ये 5 का टेबल 2 से शुरू हुआ है और ये अगेन 10 तक गया है। ये वो वाली चीज़ है कि हमने यहाँ पे नंबर की वैल्यू दे दी थी 5, और स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दी 2। तो आप इस तरह से जो है आपके जो वेरिएबल सॉरी और जो पैरामीटर्स हैं उसके नाम दे के भी आप उसको वैल्यू साइन करके भेज सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसमें हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जावा पाइथन जो है उसमें ऐसा नहीं है। पाइथन जो है वो हमें फैसिलिटी देती है कि हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दें ताकि हमें उसको ओवरलोड ना करना पड़े। एक फंक्शन को आप डिफरेंट तरह से कॉल कर सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वैल्यू पास करें और यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन वगैरह इंपोर्ट करना किसी भी लाइब्रेरी वगैरह से। तो देखते हैं, ओके जी, इस पे हमारे पास 4 तरीके हैं। तो फर्स्ट वन इज जो फर्स्ट वन है उसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्टिंग ऑल दी फंक्शंस फ्रॉम अ लाइब्रेरी। तो उसके लिए सिंपल है, हमारे पास हम लिखेंगे इम्पोर्ट और आगे लाइब्रेरी नेम आ जाता है। और फिर जब आपने कोई फंक्शन कॉल करना है तो आपको कैसे कॉल करना पड़ता है, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम, और फिर इस तरह से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीकेकार है, उसके बाद बट
गिविंग एन एलियस टू दी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी को एज करके एक नया नाम दे देते हैं, न्यू नेम। और अब जब हमने फंक्शन कॉल करना है, हमने न्यू नेम डॉट फंक्शन नेम आ जाता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम अ लाइब्रेरी। सो अब हम लिखेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी नेम, और फिर हम लिखेंगे इम्पोर्ट, आगे फंक्शन नेम आ जाएगा। तो अब हमें ये जो लाइब्रेरी नेम लिखना पड़ रहा था, अब हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो चौथा तरीका है, कि हम जो है एंड गिविंग देम एलियसेस। अगर आपने एलियस भी देना है उनको, तब आप वो भी कर सकते हैं, एज न्यू फंक्शन नेम आ गया, और इंस्टेड ऑफ वो आप न्यू फंक्शन नेम के थ्रू उसको कॉल करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल करते हैं, तो कोड पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया नंपाई को, ठीक है। अब ये देखें कि नीचे जो हमारे पास सेकंड मेथड था, ये वो हमें शो कर रहा है कि एज करके हम उसको एनपी कर दें। ये सेकंड मेथड था, तो कह रहा है कि ऐसे कर लें, एक मिनट। तो वो हमें ऑप्शन दे रहा था कि हम इस तरह से कुछ करें, तो अगर आपने इस तरह से करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इधर रैंडम की तो लाइब्रेरी है, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रैंडम इंट, और इसमें हमने दे दिया सॉरी इंट का आई भी स्मॉल ही आएगा, मेरे पेंड इंट है, यप सॉरी। तो अब हमने क्या किया, रैंडम को यूज़ किया और उसके थ्रू हमने ये रैंड इंट जो है इसको कॉल कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम इंपोर्ट करें अगेन रैंडम एज लेट्स सपोज रैंड, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ रैंड डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे मैंने उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दी, ठीक हो गया। अब इंस्टेड ऑफ रैंडम अब हम किसको यूज़ कर रहे हैं, रैंड को यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट हम कर लेते हैं किसको, रैंड इंट को। और अगर कोई और भी फंक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास रैंड फ्लोट भी है, या
एंड फ्लोट भी है मेरे ख्याल से। तो अब मैं जो हूँ वो इन सारों को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड फ्लोट, और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 0.1 से लेके 2.5 तक। फ्रेंड फ्लोट नहीं है, चले अच्छा जी, ये ऐसे हो गया। और लास्ट जो है फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंड इंट एज रैंडम इंटीजर, और मैंने कहा प्रिंट करो रैंडम इन टीचर को, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी कोई भी। एक उसने अब इस एलियस के थ्रू जो है, एलियस के थ्रू हम इसको फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम numpy इम्पोर्ट एस क्यू आर टी, और यहाँ पे आप पता नहीं ये नंपाई में है कि उसमें है, मैथ की क्लास में है, हम चेक कर लेते हैं। और इसको एस क्यू आर टी को हम एज स्क्वेयर रूट कर लेते हैं, और हम लिख लेते हैं एस क्यू यू ए आर ई स्क्वेयर रूट ऑफ लेट्स से 16, क्या है दैट इज 4.0, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से ये सारा कुछ होता है, बेसिक पाइथन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटिंग को देखा, उसके बाद हमने इनपुट लेना सीखा, फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, फिर डेटा टाइप्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे, फिर उसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, और मेंबरशिप ऑपरेटर था जिसको हमने फॉर लूप में इस्तेमाल किया, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स आ गए, और उसके बाद हमारे पास जो थे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आई, और फिर लूप्स आ गए। लूप्स के बाद हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स देखे, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, सेट्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, और उसके बाद हमने फिर नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी देखा, और एंड पे हमने फंक्शंस को देखा जिसमें हमने खुद का फंक्शन बनाना भी देखा, और फंक्शन अगर कहीं पे लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं उसको इम्पोर्ट कैसे करना है हमने वो भी देख लिया।